दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना। विस्तार धोरे तो कैसे सोए जाना, विस्तार धोरे लो लो लोरी सुना। हेलो वेलकम, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, भाई लोग कैसे हो सारे। आज हम जा रहे हैं, अभी हॉस्टल से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी कॉलेज टूर करने, ठीक है, कॉलेज के लिए जाते हैं। उससे पहले हमको रास्ते में थोड़ा काम भी है, तो वो काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कॉलेज चलते हैं। आपको पूरा कॉलेज घुमाएंगे आज, ठीक है, और ब्लॉग को देखते रहो, मजे करते रहो, लाइक कर देना। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई रोड पे क्यों खड़ा है, तो मैं अभी खड़ा हूँ मेरी कॉलेज के सामने। ये है कॉलेज का मेन एंट्रेंस गेट, ठीक है, पीछे वाला बंद था। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ इतना सुना सुना क्यों लग रहा है, तो अभी बंद है, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे लगते हैं, यहाँ ठेले रेडी लगती है, पानी पूड़ी वगैरह खाने पीने की, चाट पूड़ी वगैरह जो भी है, और आइसक्रीम वगैरह। और पीछे उधर लगते हैं छोले कुलचे, राइट। ये बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, अगर अभी लग रहा हो कि आपको सुना सुना है, तो देने सुना सुना नहीं है। अभी चलते हैं कॉलेज के गेट पे, ठीक है। तो ये है मेन एंट्रेंस गेट कॉलेज का, और यहाँ पे अपन अंदर चलते भी आपको दिखाते हैं पूरा लाइब्रेरी का सीन वगैरह क्या है, और उसके बाद में आपको LTH जहाँ पे आपकी क्लासें लगनी होती है फर्स्ट ईयर वगैरह की, और डिपार्टमेंट वगैरह वो भी कवर करते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं यार। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के गेट के अंदर, ठीक है। ये पूरा पूरा व्यू दिखता है इस तरीके से, यहाँ पे जो दिख रही है ये है पूरी पार्किंग, ओके, ये पूरी पार्किंग ही पार्किंग है इधर। और अगर आपको दिखाऊँ मैं फर्स्ट ईयर के थिएटर जहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास लगती है, तो वो पीछे है, वहाँ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी लाइब्रेरी, ठीक है। तो कॉलेज की लाइब्रेरी कहाँ पे, कॉलेज की लाइब्रेरी ये रही, वही, ठीक है। और ये सब कुछ पार्किंग एरिया, सीनियर्स यहीं मिलते हैं आपको, सीनियर्स जो होंगे वो यहीं मिलते हैं इसी एरिया के अंदर। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और अगर आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है तो सब कुछ इसी एरिया के अंदर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब दिखाता हूँ ये पीछे जो है, ये है लाइब्रेरी, और वो है लेक्चर थिएटर हॉल, उसके अंदर चल के दिखाते हैं एक बारी आपको। तो ये जो दिख रहे हो ये है LTH ब्लॉक, ठीक है, इसके अंदर सारी फर्स्ट ईयर की सारी क्लासें लगती है। और अगर ये खुला होगा तो अंदर चल के भी दिखा देता हूँ आपको एक बारी। यहाँ पे 12 कमरे हैं लगभग LTH 1 से लेके LTH 12 तक, ठीक है। और चलो खुला है, ठीक है, देख लेते हैं एक बारी। हाँ, बड़ी गंदगी है भाई, बड़ी गंदगी। अगर कोई MBM से देख रहा ना भाई, साफ़ करवा दिया करो इसे, ठीक है। और एक बार आपको कोई क्लास खोल के दिखा देता हूँ कैसी क्लास है। ये जो क्लासें दिख रहे हो ये लगती है ग्राफिक्स की क्लासें यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से है ये सीन है। यहाँ पे सिर्फ ग्राफिक्स का काम होता है, इसीलिए ये उस टाइप की बेंचेस पड़ी है। अगर थिएटर मतलब क्लासेस जो आपकी नॉर्मल क्लासेस लगती है वो मैं दिखाऊँ तो वो ऊपर लगती है, ठीक है। यहाँ पे उसमें भी लगती है, एक बार ऊपर चल के दिखा देते हैं आपको। बड़ी गंदी हो रही है, पता नहीं कब खुलेंगी कॉलेज और कब ये नॉर्मल होगा वापस। तो जो नॉर्मल क्लासेस लगती है वो यहीं लगती है, यहाँ CCTV वगैरह भी लग रखे हैं। तो देखो ये है LTH 10, और इस टाइप से लगती है पूरी क्लासेस, ओके। ये है अपना क्लासेस का सीन, बट कोई नहीं, सब लोग यहाँ पे कुछ कुछ लिख के गए हैं, आई लव MBM बट कोरोना सेंड मी @CTI। भाई जिसने भी लिखा ना, दिल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, छोड़नी। और गाइज यही क्लास मैंने आपको क्यों बताई, यहाँ पे थोड़ा साउंड का इको आ रहा है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल क्लास है, मैं इस मेरी क्लास सारी इसी के अंदर लगती थी, ठीक है। और मेरा ग्रुप था बी ग्रुप, तो बी ग्रुप की सारी क्लासेस इसी के अंदर लगती थी। बाकी सामने है LTH 12 11, और यहाँ पे LTH 12 12, इसके अंदर ग्राफिक्स की सारी क्लासेस लगती थी। बड़ा गंदा हो रखा था, बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं इनसे, ठीक है। अभी चलते हैं यार नीचे, और आपको थोड़ा सा डिपार्टमेंट वगैरह से शेयर करते हैं, फिर आप नीचे चल के नीचे की तरफ चलते हैं। राइट, अभी हम लोग निकल चुके हैं LTH से वोरा पीछे, और अभी थोड़ा सा आपको डिपार्टमेंट शेयर कराते हैं। ये मैं ब्लॉग के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई काम नहीं है। तो ये पीछे से देख रहे हो वो बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ से दिख रही है वो बिल्डिंग। ये है प्लेसमेंट सेल्स, यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं सबके। और फाइनली कुछ अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कॉलेज की, जो कि है ये थैनोस वाली बिल्डिंग पेंटिंग, राइट, ये काफ़ी शानदार लगती है हमारे कॉलेज के अंदर। एक पेंटिंग उस तरफ भी है, वो भी दिखाते हैं। और थैनोस की बिल्डिंग के पीछे ही स्टेशनरी की दुकान है, तो वहाँ पे आपकी कॉलेज की स्टेशनरी मिल जाएगी, ओके। और अभी आपको डीन ऑफिस दिखाते हैं, जहाँ पे आपका डीन ऑफिस है, और जनरल सेक्शन बोल सकते हैं।
जहाँ पे आपके फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं वो शेयर करते हैं आपसे। ओके, तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक और पेंटिंग है वो आपको दिख रही होगी पीछे, शिवाय की पेंटिंग बहुत शानदार लगती है अगर यहाँ पे हर बंदा एम पी उनका फोटो लेता ही है, ठीक है। और उसके बाद में पीछे जो दिख रहा है वो गार्डन है, वो कवर करते हैं, पहले ये दिखाता हूँ। ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर ये पूरा डीन ऑफिस है अपना, और यहाँ पे ये नोटिस वोटिस लगते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऑफिस होता है तो वहाँ नोटिस लगते हैं, ठीक है। और जो मेन बिल्डिंग आपको दिखती है एम बी एम के नाम पर, वो बिल्डिंग यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर दिखती है ऊपर। और ये एक गार्डन है पीछे से, इस तरीके से दिखता है। अभी कुछ भी नहीं है, सफाई वफाई भी नहीं हो रही इतनी, बट ठीक है, वैसे होती भी नहीं है सर इतनी, ठीक है। और जो मेन बिल्डिंग आपको दिखती है वो मेन बिल्डिंग का मैं व्यू लेने के लिए थोड़ा सा पीछे आता हूँ ताकि आपको भी सही दिखेगी। तो जो मेन बिल्डिंग है वो ये रही एंगल, ठीक है, ये इस तरीके से दिखती है। और बाकी सब सही है, ये अच्छा गार्डन है, यहाँ पर बैठ के दो पल की सुख दुख की बातें कर सकते हो। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बंदी है, यहाँ पे कपल्स पॉइंट है, वो आपको शेयर करता हूँ। तो जो मेन बिल्डिंग थी वो यहाँ से, अब चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो देख रहे हो ये पूरा ऑडिटोरियम है, यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक पीछे पूरा ऑडिटोरियम है। यार बड़ी यादें आ रही हैं सस्ती यहाँ से, मतलब जो फ्रेशर पार्टी हुई थी वो इसी के अंदर हुई थी, है ना। और ये क्या हो रहा है, टोप है, हाँ, ऑडिटोरियम का फ्रंट गेट ये रहा, कुछ इस तरीके से दिखता है। और डिपार्टमेंट चलते हैं फटाफट, आपको लेट हो रहा हूँ मैं भी, तो फटाफट डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ। जो पहला डिपार्टमेंट है वो सिविल डिपार्टमेंट, जिसका बिल्डिंग है वो ये यारा पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। मेरी वीडियो जो बहुत ज़्यादा व्यूज हुई थी वो इसी की फ़ोटो थी, मतलब इसकी या इलेक्ट्रिकल दोनों में से एक की फ़ोटो थी। तो इसी के अंदर सारे पीछे सिविल लैब है फर्स्ट ईयर की, और आगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो उधर चलते हैं और आपको पूरा वो शेयर करता हूँ फटाफट जाके, ठीक है। और थोड़ा सा आगे और चलेंगे, वहाँ पे है माइनिंग डिपार्टमेंट। वैसे बिल्डिंग ही तो है, क्या दिखाना, ठीक है। तो माइनिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे यह है, यहाँ पे मेरे पीछे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और माइनिंग डिपार्टमेंट के सामने ये है माइनिंग ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड जिसे बोलते हैं। क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे था, क्रिकेट ग्राउंड था एलटीएच के पीछे, वहाँ पे मैंने कवर किया था, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल माइनिंग, अब चलते हैं आपको उस तरफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी जो पीछे डिपार्टमेंट देख रहे हो ये है पूरा मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट, जिनके मैकेनिकल ब्रांच है सब कुछ, और यहीं पर होता है राइट पीछे जो पूरा मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट है। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जस्ट सामने ही यहाँ पे वो देख रहे हो सामने, वो है वर्कशॉप वाला डिपार्टमेंट, यहाँ पे सारी वर्कशॉप होती है। और अगर आपको एक फन फैक्ट दिखाऊं तो यहाँ पे अभी चल रही है जेसीबी की खुदाई, ठीक है। तो वहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है, ठीक है, वो है वर्कशॉप। और जिन लोगों को बुक्स लेनी होती है, जो लोकल बुक्स मिलती है कॉलेज के अंदर, वो बुक स्टोर है, वो दिख रही होगी आपको मैकेनिकल माइनिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास ही, ठीक है। तो ये सब कुछ है, अभी उसके अंदर तो बंद पड़े हैं अभी, तो मेरा विचार तो था आपको सब कुछ दिखाने का, लेकिन वो सब बंद पड़े हैं अभी, तो अभी नहीं दिखा सकते। अभी आपको चलते हैं थोड़ा उस वाला डिपार्टमेंट, मतलब साउथ कैंपस जो कोई नहीं दिखाता उसके अंदर दिखाते हैं। साउथ कैंपस तो ये है, वो है नॉर्थ कैंपस। ओके गाइस, तो जो फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब लगती है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर लगती है। यहाँ पे नीचे जो है ये फिजिक्स लैब है, और इसी में ऊपर जो दिख रही है सारी केमिस्ट्री लैब लगती है, यहीं पे मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट बोल सकते हो, जहाँ पे टीचर वगैरह बैठते रहते हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जो फार्मा स्टूडेंट होते हैं, बी फार्मा वाले, उनकी क्लासेस भी लगती है, ठीक है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि फार्मा मेरे से पहले वाली वीडियो के अंदर कमेंट आया था कि फार्मा के बारे में बताना, मैं वो बता रहा हूँ। और जो लोग एनसीसी के अंदर है, वो एनसीसी वाला डिपार्टमेंट ये रहा, कुछ अभी चलते हैं वापस उस वाले डिपार्टमेंट के, उस वाले कैंपस के अंदर, वहाँ पे दो तीन डिपार्टमेंट है, वहीं से कवर करके आपको खत्म करते हैं। और राइट गाइस, तो अभी हम लोग हैं सीएस और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि है नॉर्थ कैंपस के अंदर। तो अभी जो देख रहे हो ये यहाँ पे पीछे, यहाँ पे अब इस तरफ यहाँ है पार्किंग एरिया, और ये बिल्डिंग जो है सीएस और आईटी की वो ये रही, ठीक है। इसके अंदर खुला है अभी, तो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो यहाँ इसके अंदर नहीं चलते अभी, और अलाउ भी नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आ नहीं रहे। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है सीएस और आईटी के अलावा, वो उसके पीछे है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, जो कि नया वाला, और पुराना आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट था पिछले वाले साउथ कैंपस के अंदर, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो कि उधर ही है।
तो वो जो दिख रहा है बोर्ड, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वहीं का ही है। अंदर कुछ खास नहीं है, बंद सब बंद पड़े, अभी जाके आए थे तो कोई मतलब नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा केमिकल डिपार्टमेंट दिखा देते हैं। बाकी आप देख सकते हो पूरी हरियाली हरियाली है, सिर्फ पेड़ पौधे में ही हरियाली है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो। आज यहाँ पे आए हैं और एक बड़ी खुशखबरी हमको पता चली है कि हमारी जो कॉलेज थी MBM, जो पहले JNVU के अंदर में आती थी, JNVU यूनिवर्सिटी के अंदर में, जय नारायण व्यास के अंदर, आज से ही उसे ऑटोनोमस कर दिया गया, मतलब JNVU से उसको हटा दिया गया। इसका फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा वो आपको बता देता हूँ। देखो, जो एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी चीज़ें पहले टाइम पर नहीं होती थी, अब वो टाइम से होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और डेवलपमेंट भी होगा, तो स्टूडेंट जो नए आने वाले हैं उनको फ़ायदा तो मिलेगा ही, और कट ऑफ भी हाई जाएगी, ये तो पक्का है, लिख के रखना, क्योंकि JNVU से अलग हो गई। JNVU की पहचान MBM से ही थी और अब MBM अलग हो चुकी है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही है, सुधर रही है यहाँ पे, और आई थिंक आने वाले कुछ सालों में ये और ज़्यादा उभरेगा कॉलेज, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ केमिकल डिपार्टमेंट। केमिकल डिपार्टमेंट ये रहा मेरे पीछे, थोड़ा सा आपको पीछे वाला कैमरे से दिखाता हूँ इसको। और अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको छोटी सी भी जो भी है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब तक इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। और अपने क्या विचार है, कॉलेज कैसा लगा, सब कुछ मैंने कवर किया है, कमेंट के अंदर बताना, कमेंट ज़रूर करना, मैं सबके कमेंट की रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और पीछे जो थार देख रहे हो, दो लड़कियाँ चला के आई थी भाई साहब, गदर लग रहे थे एकदम, ठीक है। तो अभी यह मेन गेट है और इसके बाहर फेमस चाय है MBM के स्टूडेंट्स के अंदर, कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर जो चाय वाला है वो चलते हैं वहाँ पे, समर चाय, और बोर्ड दिख रहा है कॉलेज का। और इधर पूरा मार्केट वाला एरिया जाता है, भाटी सर्किल, भाटी चौराहा है। तो अभी आपको चाय वाले के वहाँ ले चलते हैं, एक बार आपको चाय वाले की जगह दिखा देते हैं। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शानदार कंटेंट देखने के लिए तुम्हारा भाई यूट्यूब के अंदर फेंक रहा है अपने आप का, ठीक है। तो